हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक नए पोएम के बारे में जिसका टाइटल है ट्रैवल, और इसे लिखा है एडना सेंट विसेंट मिले ने। ये अमेरिका की सबसे सक्सेसफुल पोइट्स में से एक थी। इन्हें इनकी पोएट्री के लिए पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है। इनके वर्क्स नए और पारंपरिक दोनों पोएट्री के एलिमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। ये पोएम ट्रैवल करने की तीव्र इच्छा और पूरे संसार को देखने के बारे में बताती है। तो आइए शुरू करते हैं इसे। हम लोग पहले फर्स्ट स्टैंजा की हिंदी मीनिंग को समझेंगे। द रेल रोड ट्रैक इज माइल्स अवे एंड द डे इज लाउड विद वॉइसेस स्पीकिंग, येट देयर इज अ ट्रेन गोज बाय ऑल डे बट I hear its whistle shrieking। इसका मतलब हुआ रेल रोड ट्रैक यानी रेल की पटरी पोएट के घर से मीलों दूर है, और पूरा दिन पोएट को आसपास के लोगों की बात करने की तेज आवाजें आती रहती है। पूरे दिन वहां से कोई ट्रेन नहीं गुजरती, फिर भी पोएट को ट्रेन की विशल की ऊंची आवाज आती थी। यहाँ द डे इज लाउड विद वॉइसेस स्पीकिंग का मतलब हुआ आसपास के लोगों की बात करने की आवाज, और श्रिकिंग का मतलब जब ट्रेन आने वाली होती है तो वो बहुत ही हाई साउंड प्रोड्यूस करती है और हॉर्न देती है, वही है श्रिकिंग। अब सेकेंड स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। ऑल नाइट देयर इजंट अ ट्रेन गोज बाय, Though the night is still for sleeping and dreaming, but I see its cinders right on the sky and hear its engine steaming। इसका मतलब हुआ यहाँ तक कि पूरी रात कोई ट्रेन नहीं गुजरती थी। आगे पोइट कहती हैं कि रात तो सोने के लिए और मीठे मीठे सपने देखने के लिए होते हैं, और वो अभी बाकी है, लेकिन रातों में भी पोएट को आसमान में अधजले कोयले के राख या अंगार दिखाई देते थे। अभी तो आप लोगों ने जो ट्रेन देखा होगा वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और उसमें कोयले का कोई काम नहीं, लेकिन यहाँ एक्चुअली पहले के ज़माने के ट्रेन की बात की जा रही है जो कोयले से चलती थी। मैं गदर मूवी का एग्जाम्पल देना चाहूँगी, अगर किसी ने देखी होगी तो वे इमेजिन कर सकते हैं। उसमें कोयले से चलने वाले ट्रेन को दिखाया गया है। जब कोयला चलता है तो उससे जो राख बनता है, या ऐसा कहें उससे जो धुआं निकलता है, उसमें छोटे छोटे अधजले पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ उसी के बारे में बात की जा रही है। साथ ही पोएट को इंजन की आवाज भी सुनाई देती है। आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की ओर। My heart is warm with friends I make, and better friends I will be knowing. Yet there isn't a train I wouldn't take, no matter where it's going. मतलब ऐसा भी नहीं है कि पोइट के पास फ्रेंड्स की कमी है। पोइट कहती है कि उनके पास बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो इनसे भी अच्छे होंगे, जिन्हें वो नहीं जानती हैं, और अगर वो कोई ट्रेन पर नहीं जाएंगी तो उन्हें बेटर फ्रेंड्स भी नहीं मिल पाएंगे, इसलिए वो कोई भी ट्रेन पकड़ना चाहती है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि ट्रेन कहाँ जा रही है। इस पूरे पोएम में जो पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है वो है राइमिंग। जैसे देखिए अवे, डे, स्पीकिंग, श्रेकिंग। अब फाइनली इस पोएम से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं। जब हम किसी बाउंडेड जगह पर रहते हैं, वहाँ रहते रहते उब जाते हैं, तो हम अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को तलाशने लगते हैं और उस सीमित दुनिया से बाहर निकल जाना चाहते हैं। इस पोएम में ट्रेन ऐसे ही अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करती है जो पोएट को एक बंधन वाले दुनिया से निकाल कर
एक अलग दुनिया में ले जाएगी, जहां वो बहुत सारी नई चीजों को जान पाएंगी। तो आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले स्टैंजा में स्पीकर दो अलग अलग साउंड की बात कर रही हैं। तो नंबर ए, वो अलग अलग साउंड क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, पहला साउंड लोगों के बात करने की आवाज है और दूसरा साउंड ट्रेन के विशल की आवाज है। अब 1 का बी नंबर कर लेते हैं। पोइट को एक्चुअली में कौन सी आवाज सुनाई दे रही थी? इसका आंसर हो जाएगा, पोइट को लोगों के बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी। 1 का सी, स्पीकर को दूसरी आवाज इतनी क्लियरली कैसे सुनाई दे रही थी, जबकि उनके आसपास ऐसा कोई साउंड ही नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा, स्पीकर को ट्रैवल करने की बहुत ज्यादा इच्छा थी, इसीलिए उन्हें वो साउंड बहुत क्लियरली सुनाई दे रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, स्पीकर के हिसाब से रातें किस लिए होती हैं और इसके जगह पे वो क्या कर रही थी? इसका आंसर हो जाएगा, स्पीकर के हिसाब से रातें सोने के लिए और सपने देखने के लिए होते हैं, लेकिन इसके जगह पर स्पीकर इंजन की आवाजों को सुन रही थी और आसमान में कोयले के चिंगार को देख रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीकर के आसपास जो लोग थे उनके बारे में वो कैसा फील करती थी और उसके बदले स्पीकर क्या चाहती थी? इसका आंसर हो जाएगा, स्पीकर के आसपास जो लोग थे उनके लिए वो अच्छा फील करती थी, लेकिन इसके बावजूद वो ट्रैवल करना चाहती थी और नए नए फ्रेंड्स बनाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ एक लाइन दी गई है, एंड बेटर फ्रेंड्स आई विल बी नोइंग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बेटर फ्रेंड्स कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा, ये बेटर फ्रेंड्स इमेजिनरी थे जिनसे वो ट्रेन में मिलना चाहती थी। 4 का भी, स्पीकर उन्हें बेटर क्यों बुला रही थी? इसका आंसर हो जाएगा, स्पीकर उन्हें बेटर इसलिए बुला रही थी क्योंकि वो जो इमेजिनेशन कर रही थी ट्रैवल करने की, नई नई चीज़ों को सीखने की, इन्हीं सारी चीज़ों ने उनके दिमाग में ये डाल दिया था कि जर्नी पे उन्हें और भी अच्छे लोग मिलेंगे। 4 का सी, क्या वो कभी उनसे मिली थी और क्या उन्हें उम्मीद थी कि वो उनसे मिल पाएंगी? इसका आंसर हो जाएगा, नहीं, वो उनसे कभी भी नहीं मिली थी और उन्हें उनसे मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5, स्पीकर कोई भी ट्रेन से किसी भी जगह पे क्यों जाना चाहती थी और ये उनके माइंड के स्टेट के बारे में क्या बताता है? इसका आंसर हो जाएगा, स्पीकर अपने करंट सिचुएशन से भागना चाहती थी और वो अपनी नई जिंदगी जीना चाहती थी। ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि स्पीकर अपने लाइफ से बोर हो चुकी थी और उन्हें दूसरे दुनिया के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। आई होप इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।